लेकिन इधर फाजिल्का में खाकी पर सवाल उठे हैं। सुरजीत शर्मा नाम के थाने के मुंशी की मौत के बाद परिजन उनका शव सड़क पर रखकर जाम लगा रहे हैं और पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप भी उन्होंने लगाया है। हालांकि पुलिस ने परिजनों के आरोपों को खारिज किया है। सड़क पर शव रखकर रोते बिलखते ये हैं मृतक सुरजीत शर्मा के परिजन। सुरजीत शर्मा अरनीवाला थाने में मुंशी के पद पर तैनात थे, लेकिन उनकी मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ जहां परिजनों का आरोप है कि उन्होंने पुलिस के अत्याचारों से तंग आकर आत्महत्या की है, तो वहीं पुलिस का कहना है कि सुरजीत सिंह की मौत सड़क दुर्घटना में हुई है। दरअसल सुरजीत शर्मा को पुलिस ने नशा तस्कर से बदलने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा था, लेकिन जब वो जमानत पर बाहर आए तो उनकी मौत हो गई। 1 मार्च 2017 नूं इन्हां ते पर्चा कट्टा गया, जिस दे बाद उन्हां दा 8 दिनां दा रिमांड फाजिल्का पुलिस नूं अंडर SSP फाजिल्का दे चेतन पाटल दे साहब दे अंडर मिलिया, जिस विच इन्हां नूं ना सहन योग तसीहे दित्ते गए, करंट लाया गया, कुटा गया बहुत ही। इस तो बाद उन्होंने जज साहब ने जुडिशियल फिरोजपुर जेल के भेज दिता और 20 दिन के बाद जज साहब ने उन्होंने जमानत दे दी। SSP साहब ने सीधा सीधा डिप्रैशन पाया, ये मैं कहना डैथ हुई नहीं, कतल होया कतल किने किया, SSP फाजिल्का ने उन्होंने मजबूर किया, मरण वास्ते मजबूर किया। इन्होंने मेरे दादा दादी जी जे कि बहुत बुजुर्ग ने उन्होंने भी तंग किया, धमकियां दीतियां, जे तुम पढ़ते हो तो पढ़ाई खराब कर देंगे, तुहाडे ते पर्चे कर देंगे, मैं बहुत ज्यादा टॉर्चर इसे करके। परिजनों ने पुलिस पर धमकी देने और परेशान करने का आरोप लगाया। गुस्साए परिजनों ने फाजिल्का के SSP पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है, लेकिन परिजनों के इन आरोपों को लेकर SSP डॉक्टर केतन पाटिल ने फिलहाल कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। जमानत देने के बाद SSP साहब फाजिल्का साढ़े घर आए और कहते हैं कि तुसी आपके फादर साहब नूं साढ़े कोल भेजो, जे मेरे फादर साहब नहीं गए तो उन्होंने घर दियां बुढ़िया ते घर दियां लेडीज ते अत्याचार करने शुरू करते, उन्होंने धमकाना शुरू किया। बट जो सुरजीत कुमार जो हेड कॉन्स्टेबल है, जिसके ऊपर ऑलरेडी हेरोइन की चोरी का FIR हुआ है और उसकी एक्सीडेंटल डेथ हुई है कुरुक्षेत्र में, इतनी जानकारी है। लेकिन जो पुलिस पर सर आरोप लगा रही है फैमिली, उनके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते। सवाल ये है कि सुरजीत शर्मा की मौत की असल वजह क्या है? क्या सुरजीत शर्मा ने पुलिस वालों से तंग आकर खुदकुशी की है या फिर सड़क हादसे में उनकी मौत हुई है? और सवाल ये भी है कि क्या पुलिस वालों ने सुरजीत शर्मा और उनके परिजनों को धमकाया डराया? फिलहाल इन सवालों का जवाब निष्पक्ष जाँच के बाद ही मिल सकेगा। मुक्सर से जसविंदर बब्बर, फाजिल्का से सुनील नागपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।